बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने मूल निवासी बहुजनों की विरासत पर विदेशी ब्राह्मणों द्वारा जबरन कब्जा किए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों का कहना है कि काशी, मथुरा या बनारस, मथुरा जो भी तीर्थ स्थल में आते हैं, वहाँ बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन दोनों कार्यक्रमों पर आरएसएस और बीजेपी की सरकार ने रोक लगा दी। बनारस की जनसभा के लिए प्रशासन द्वारा अनुमति मिली थी, लेकिन 9 जुलाई 2023 को रात के 6 शांत मैरिज लॉन आशापुर और सारनाथ पुलिस द्वारा परमिशन निरस्त लेटर थमा दिया गया, जबकि आयोजक को पहले से इसकी कोई भी सूचना नहीं दी गई थी। आज का धरना मानवर वामन मिश्राम और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास पटेल और पुरातत्व विभाग, इतिहास विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विलास खरात के नेतृत्व में ये आज दिनांक 15 अगस्त 2023 को मुजफ्फरपुर जिला कलेक्टर के सामने धरना स्थल पर बुद्धिस्ट इंटरनेशनल ओबीसी मोर्चा के तहत धरना प्रदर्शन का आयोजन इस 7वां चरण में दूसरा चरण है। इसका सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि काशी मथुरा ये बौद्ध स्थल है और दिनांक 9 जुलाई 2023 को बनारस और 16 जुलाई 2023 को मथुरा में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन दोनों कार्यक्रमों पर आरएसएस बीजेपी की सरकार ने रोक लगाई। बनारस की जनसभा के लिए प्रशासन द्वारा अनुमति मिली थी और 9 जुलाई 2023 को रात 1 बजे को शांति मैरिज लॉन आशापुर और सारनाथ वाराणसी के मालिक को वरुणा जोन कमिश्नरेट पुलिस। आज का धरना रखा गया है बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चौधरी विकास पटेल जी के अध्यक्षता में, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग माननीय बावन मिश्राम साहब जो बाम सेट के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके भी नेतृत्व में ये आज का धरना प्रदर्शन हम लोग रखे हैं। धरना प्रदर्शन के माध्यम से राष्ट्रपति से हमारी मांग है कि बौद्धिस्ट इंटरनेशनल सोसाइटी के बैनर तले जितने भी भारत में बौद्धिस्ट स्तूप हैं, बौद्धों का स्थल है, वो ब्राह्मणों से मुक्त कराया जाए। वहाँ मंदिर बना करके ये हिंदू धर्म देवी देवता का, बौद्ध भगवान का पूजा करते हैं, इसको मुक्त कराया जाए। दूसरी मांग है कि ईवीएम से बनी हुई सरकार आए दिन हमारे हक अधिकार का हनन करती है, हमारे मौलिक अधिकार का हनन करती है। ये मौलिक अधिकार का ही तो हनन है जो 9 जुलाई 2023 को बनारस के सारनाथ में बौद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के बैनर तले पिछड़ा वर्ग मोर्चा का कार्यक्रम निर्धारित था और 1 बजे रात में अनुमति को निरस्त किया जाता है और हमारे आर्टिकल 19 का हनन किया जाता है। ये मोदी जी और आरएसएस की जो सरकार है, हमारे बीजेपी की जो सरकार है देश में, आए दिन हमारे भूमिवासियों का। मुजफ्फरपुर बिहार छात्र संघ द्वारा सेशन 2020-2023 ग्रेजुएशन पार्ट दो में हुए 10,000 से अधिक छात्र छात्राओं के पेंडिंग रिजल्ट को लेकर परीक्षा नियंत्रण का घेराव किया गया। जब बिहार छात्र संघ टीम परीक्षा नियंत्रक से मिलने पहुंची तो उन्होंने कहा कि जरूरी काम से उन्हें पटना जाना है, 2 दिनों के अंदर सारा पेंडिंग रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप सभी लोग इससे भी बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, जिसके बाद छात्रों द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। आगे छात्र संघ के अध्यक्ष गौतम सिंह ने कहा कि हर बार विश्वविद्यालय द्वारा यही रवैया अपनाया जाता है, आखिर विश्वविद्यालय की गलती की सजा छात्र छात्राएं क्यों भुगते? विश्वविद्यालय की गलती के कारण परीक्षा के परिणाम पेंडिंग आए हैं और ये गलती जानबूझकर की जाती है, जिससे कि बच्चे विश्वविद्यालय में दौड़े और उनसे अवैध तरीके से वसूली की जाए। इस तरह की धांधली हमारी टीम बर्दाश्त नहीं करेगी। ये पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए और जल्द से जल्द सभी छात्र छात्राओं का रिजल्ट क्लियर होना चाहिए। छात्र संघ की टीम ने प्रोबीसी से भी मुलाकात की और उनसे भी कहा कि जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम क्लियर करवाएं। मौके पर जिलाध्यक्ष राजा बाबू, विश्वविद्यालय अध्यक्ष तैयब खान, उत्तर बिहार उपाध्यक्ष बंटी कुमार, आदित्य झा, विवेक, मनीष सिद्धार्थ, राजीव कुमार, संजीव सोनू, आकाश कुमार इत्यादि सैकड़ों छात्र मौजूद। आज हम लोग बिहार छात्र संघ की टीम बिहार विश्वविद्यालय में जमकर आंदोलन किए हैं, जिसका मूल कारण था 2023 सेशन का पार्ट टू का रिजल्ट में पेंडिंग कर देना। हमेशा से एग्जामिनेशन कंट्रोलर बोलते हैं कि अगले एग्जाम से एक भी पेंडिंग नहीं होगा। 10,000 प्लस छात्राओं का रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया है और बच्चे यहां दौड़ते हैं, दलाली देते हैं, 1,000-2,000 रुपया देते हैं, तब उसका रिजल्ट क्लियर होता है।
हम लोग का सीधे मांग था जल्द से जल्द 2 दिन के अंदर रिजल्ट क्लियर कीजिए पार्ट 2 का। अगर पेंडिंग रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ तो अभी छोटा सा टेलर था हम लोग का आंदोलन का, बहुत बड़ा आंदोलन होगा और नहीं तो लड़के लोग आत्मदाह करने। पेंडिंग परिणाम के लिए आए हैं, जो कि हर वर्ष जब भी परीक्षा का परिणाम आता है परिणाम को पेंडिंग कर दिया जाता है और हर बार यही आश्वासन दिया जाता है कि अगली बार से इस तरीके का चीज नहीं होगा, लेकिन इसका मुख्य कारण है केवल और केवल दलाली किया जाता है। हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे वो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट हो या वो डिग्री डिपार्टमेंट हो, प्रोविजनल हो, माइग्रेशन हो, कन्या उत्थान हो, किसी भी डिपार्टमेंट में जब तक आप टेबल के नीचे से हरियाली देने का काम नहीं कीजिएगा, विश्वविद्यालय का आलम यह है कि तब तक आपका काम नहीं होगा। रिजल्ट को जानबूझ करके प्रत्येक वर्ष हजारों हजार पेंडिंग कर दिया जाता है केवल और केवल पैसा कमाने के लिए। ये परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय को शर्मसार करने का काम कर रहे हैं। हम लोग मांग करना चाहते हैं कि 2 दिन के अंदर रिजल्ट को सुधार करना होगा, अन्यथा बिहार छात्र संघ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के साथ धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे, नहीं तो इसका जिम्मेवार केवल